ओम शांति। 9 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2000। आज की मुरली का टाइटल है मन को स्वच्छ बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइफ फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्तनशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबर वार लाइट का ताज चमकता है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का वरदान है साधनों को निर्लेप वान्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भाव। साधनों को निर्लेप वान्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भाव। विश्लेषण है बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचनावाद साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं।
ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। ओम शांति।